हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए बात करते हैं आज हमारे क्लास में। पहले हमने जो कल क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 12 डीके गर्ल से पेज नंबर 2.114 पे, ऐसा ही बिल्कुल आपको सेम पैटर्न का क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51 पेज नंबर 2.86 पे। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, जिनके पास डीके गर्ल है वो तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे 12 वाले को जो मैंने कल करवाया था, और जिनके पास टीएस ग्रेवाल है वो इसी पैटर्न का क्वेश्चन 51 करेंगे अपनी बुक से, आपको इजीली समझ आ जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक फुल लेंथ के क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक टॉपिक है मैनेजर कमीशन या पार्टनर कमीशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग फुल लेंथ का क्वेश्चन भी आने वाली क्लास में टीएस ग्रेवाल से ही लेने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा मैनेजर और पार्टनर कमीशन। पार्टनर वह आपने नहीं पढ़ा होगा, मैनेजर कमीशन पढ़ा होगा। तो चाहे पार्टनर का कमीशन निकालना हो या मैनेजर का कमीशन निकालना हो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो पढ़ता हूँ मैं पहला हमारा ए पॉइंट, मैनेजर और पार्टनर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर कमीशन या पार्टनर कमीशन निकालने के लिए पहला केस है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है। जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा, मान लो प्रॉफिट गिवन है 5 लाख रुपए, तो क्या करोगे, 5 लाख रुपए लिखोगे नेट प्रॉफिट, और रेट भी क्वेश्चन में गिवन होगी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, मैनेजर कमीशन या पार्टनर कमीशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, सेम बिल्कुल वही फॉर्मूला है, सिर्फ इतना सा फर्क है वहां 100 लिखा हुआ है और यहाँ 100 अपॉन आर लिखा हुआ है, यानी 100 अपॉन रेट लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला लगाना है बिफोर चार्जिंग में और ये लगाना है आफ्टर चार्जिंग में। बस एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है, अगर क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन लिखा है तो पी एन एल अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, वो पी एन एल का पार्ट है। मैंने आपको समझाया था अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो अप्रोप्रिएशन का पार्ट बनेगा, अगर वो मैनेजर कमीशन बोलता है तो पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आने वाला है, केवल पार्टनर का कमीशन आने वाला है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके थ्रू इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो टीएस ग्रेवाल से निकाल लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। मेरे पास मैंने आपको बताया था नया एडिशन है टीएस ग्रेवाल का भी, हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। जिनके पास टीएस ग्रेवाल है पहले वो वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर 35 अच्छी तरह रीड करेंगे, उसके बाद डेटा उतारोगे तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जिनके पास टीएस ग्रेवाल नहीं है यानी डीके गोयल है, उनके लिए उनकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा है, आप क्या करोगे उस वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को डेटा उतार लोगे, उसके बाद वापस समझोगे मेरे साथ तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म, फिर आगे लिख रखा है एक्स इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ। सबसे पहले डेटा उतारना स्टार्ट करते हैं। सैलरी बोल रहा है, किसकी सैलरी बोल रहा है, पहले सैलरी बोल रहा है एक्स की। एक्स कौन है यहाँ पे, पार्टनर, तो किसका पार्ट है ये, अप्रोप्रिएशन का। सैलरी बोल रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ, तो क्या करोगे, पहले ईयरली निकालने के लिए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो कितना अमाउंट आएगा, 1,20,000 सैलरी आ गया एक्स का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन बोल रहा है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी एक्स की सैलरी हम लोगों ने निकाल ली, अब एक्स का कमीशन देख लेते हैं किस तरह निकालना है। एक्स का कमीशन निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, पढ़ते हैं दोबारा से, ये बोल रहा है कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी आपको एक्स का जो कमीशन निकालना है वो निकालना तो नेट प्रॉफिट पे है, लेकिन लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ पार्टनर्स, यानी सैलरीज लिखा हुआ है, तो एक्स और वाई दोनों की सैलरी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस नेट प्रॉफिट का निकालना है 10%। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना है, तो इसके कमीशन को मैं एक बार छोड़ देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, फिर इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है वाई के लिए, वाई इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ रुपीज 25,000 रुपीज पर एनम। अब इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सैलरी जो गिवन है वाई की वो किस तरह से गिवन है, 25,000 पर एनम, ये पर एनम में ही गिवन
है, इसको चेंज नहीं करना है। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, एंड कमीशन भी पे करना है। किसको कमीशन पे करना है, जैसे एक्स को किया वैसे वाई का रेट भी कितना है 10%। अब ये भी क्या बोल रहा है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। यानी वाई को जो कमीशन हमें देना है उसमें आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल कमीशन का मतलब क्या हो गया कि एक्स का कमीशन और वाई का भी कमीशन, यानी कौन सा केस हो गया, आफ्टर चार्जिंग वाला केस हो गया। तो एक्स का जो हम लोग कमीशन निकालेंगे उसमें कौन सा है हमारे पास, बिफोर चार्जिंग वाला केस है, और वाई का जो निकालोगे उसमें कौन सा केस है, आफ्टर चार्जिंग, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल में एक्स और वाई दोनों ही इंक्लूड हो गए, और बोला है आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, तो एक्स और वाई दोनों की सैलरी के निकालने के बाद में। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। फिर बोल रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, यानी जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट गिवन है बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन ऑफ पार्टनर। अमाउंट गिवन है 4,20,000 रुपीज। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो चलिए ऊपर ही ऊपर लिख लेता हूं मैं पहले नेट प्रॉफिट, कितना है प्रॉफिट 4,20,000। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले किसकी, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कमीशन निकालने की, एक्स की। एक्स का कमीशन इसी प्रॉफिट पे निकालना है, पर क्वेश्चन में बोला क्या है आफ्टर चार्जिंग। जिनको क्वेश्चन ढंग से नहीं समझ में आया एक बार वापस पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है कि एक्स को जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट का देना है, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अब सैलरी किस किस की माइनस करनी है, दोनों पार्टनर की बोला है। तो पहले पार्टनर की सैलरी कितनी दिख रही है आपको, 1,20,000, एक तो ये माइनस करना है, और सैलरी दूसरे पार्टनर की भी है वो कितनी है 25,000, ये भी माइनस करना है। तो ये दोनों अमाउंट आप माइनस करोगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास सैलरी हो गई किसकी, एक्स की। तो इनको माइनस करते हैं अमाउंट कितना आएगा, पहले माइनस कर लेते हैं 420 में से 120 कितना बचेगा 3,00,000 रुपीज। 3,00,000 में से माइनस करोगे 25,000 तो कितना बचेगा 2,75,000 रुपीज। इस प्रॉफिट पे निकालना है मुझे क्या, कमीशन। किसका कमीशन, एक्स का कमीशन। वापस से समझ लो, एक्स का जो कमीशन निकालना है वो नेट प्रॉफिट पे निकालना है बट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज। तो सैलरी एक्स की भी माइनस करनी है और सैलरी वाई की भी माइनस करनी है। इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस प्रॉफिट का 10% निकालना है। यहां ये नहीं बोला है कि एक्स का भी कमीशन माइनस करना है, तो कौन सा केस हो गया, बिफोर चार्जिंग वाला। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट कौन सा हमारे पास 2,75,000। तो लिख लेते हैं 2,75,000 इनटू रेट, क्वेश्चन में गिवन है 10%, पढ़ लो आप। तो 10/100, 10 कैंसिल आउट हो गया, इसका अमाउंट आ गया कितना 27,500। यानी हम लोगों ने कमीशन निकाल लिया एक्स का 27,500। अब क्या करना है, अब निकालना है हमें किसका कमीशन, वाई का कमीशन। और क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि वाई का जो कमीशन है वो दोनों पार्टनर की सैलरी और दोनों पार्टनर के कमीशन माइनस करने के बाद जो आएगा उस अमाउंट पे निकालना है। तो ये अमाउंट कौन सा नजर आ रहा है आपको, ये वो अमाउंट है जिसमें दोनों सैलरी माइनस की है। अब क्या माइनस करना है, दोनों का कमीशन, पर दूसरे का कमीशन तो अभी हमने निकाला नहीं, तो केस लगेगा आफ्टर चार्जिंग वाला। लेकिन दोनों के कमीशन में से एक का कमीशन हमारे पास आ गया कितना 27,500। तो एक काम और कर लेते हैं, इस सैलरी को मैं इधर लिख लेता हूं और उधर, ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो 275 में से दोबारा माइनस कर लो, क्या माइनस करोगे, कमीशन। किसका कमीशन, एक्स का कमीशन। कितना अमाउंट था 27,500, इसको माइनस कर लेते हैं, कितना अमाउंट आएगा, कैरी करो, 5 हो गया, 7 बच गया, 6 में से 2 गया तो 4 बच गया, 2,47,500। अब इस प्रॉफिट पे आपको क्या निकालना है, Y का कमीशन निकालना है, लेकिन केस कौन सा बन रहा है, आफ्टर चार्जिंग वाला। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 2,47,500 इंटू R अपॉन 100 प्लस R, यानी 10/100+10। तो कितना हो गया, 10 तो कैंसिल आउट कर दो और 11 का टेबल बोलना स्टार्ट करो, कितना आएगा 11 2 22, कितना बच गया 2, फिर वापस 11 2 22, कितना बच गया 5, फिर 5 बच गया
22, कितना बच गया 5, तो कितना बच गया 55 हो गया, वापस 11 5 से 55 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 20, फिर उतार लो 22,500। ये किसका कमीशन आ गया? Y का, तो लिख लेते हैं कमीशन ऑफ Y 22,500 रुपए। इस तरह से आपने देखा कि हमने सैलरी भी निकाल ली और दोनों पार्टनर के कमीशन भी निकाल लिए। अब आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, इसमें ये वैल्यू पुट करनी है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहला आइटम क्या लिखते हैं हम लोग, बाय नेट प्रॉफिट, और क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट गिवन था वो कितना गिवन था, 4,20,000 रुपीज बिफोर चार्जिंग एनी अबाउ एडजस्टमेंट, यानी इसमें से पहले सैलरी और कमीशन माइनस नहीं करना है, वो तो यहां लिखूंगा अभी सैलरी और कमीशन, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट पार्टनर में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले बात करता हूं मैं टू सैलरी की, सैलरी किसकी, एक्स की और वाई की। एक्स की सैलरी कितनी थी हमारे पास, 1,20,000, वाई का सैलरी कितना था, 25,000, तो ये टोटल अमाउंट कितना आ गया, 1,45,000 रुपीज। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, कमीशन की, तो लिखते हैं टू कमीशन। कमीशन भी किसका लिखना पड़ेगा, X का भी और Y का भी। X का कमीशन आया था 27,500 और Y का कमीशन आया था 22,500। इसको ऐड कर लेते हैं, 0,0,0 कैरी किया 1, 7 और 2, 9 और 1, 10 का फिर 0 कैरी किया 1, 2 और 2, 4 और 1, 5, कितना अमाउंट हो गया, 50,000 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया, 50,000 रुपीज़। अब क्या करना है, अब अकाउंट को क्लोज कर लो, क्योंकि हमारे पास अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड दो ही आइटम है, एक तो पार्टनर का कमीशन और एक पार्टनर की सैलरी। टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आ रहा है 4,20,000, उधर का टोटल 420 नहीं है, लेकिन पहले क्या करोगे, पहले सेम लिख लोगे 4,20,000 रुपीज। अब डिफरेंस अमाउंट किधर बचेगा, 4,20,000 में से ये माइनस करोगे दोनों अमाउंट, तो डिफरेंट अमाउंट निकल जाएगा। अब दोबारा इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 420 में से पहले तो ये माइनस कर चुका दोनों की सैलरी, फिर ये भी माइनस कर चुका एक का कमीशन। अब सिर्फ किसका कमीशन माइनस करना है, इस वाले का 22,500 का, तो 2,47,500 में से एक आइटम और माइनस कर लो 22,500 रुपए, तो आपका ये वाला अमाउंट अपने आप आ जाएगा। बार बार इतनी फुल लेंथ की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 0,0 5 में से 5 लेस किया 0, 7 में से 2 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, और ये आ गया 2, अमाउंट आ गया 2,25,000 रुपीज। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हो गया 2,25,000 रुपीज। ये प्रॉफिट कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। अब आपने अच्छी तरह से देखा होगा कि ये जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होने वाला है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस किस में डिवाइड होगा, एक्स और वाई में। क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या मानते हैं हम लोग कि प्रॉफिट दोनों पार्टनर इक्वली शेयर कर रहे होंगे। तो 2,25,000 रुपए को दो पार्टनर में डिवाइड कर लो, तो 2,00,000 में से तो दोगे 1,10,000 और 25,000 में से दोगे 12,500 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया, 1,12,500 रुपीज एक्स को और 1,12,500 रुपीज वाई को। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने देखा ये क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी कमीशन निकालना है वो कौन से प्रॉफिट पे निकालना है, इस वाले प्रॉफिट पे निकालना है या सैलरी माइनस करने के बाद जो अमाउंट है उस पे निकालना है, और उसके बाद भी मैनेजर का जो कमीशन है या फिर पार्टनर का जो कमीशन है उसको माइनस करने के बाद में अमाउंट आएगा उसके ऊपर निकालना है। तो ये क्वेश्चन अप्लाइड होता है, जिस तरह से बोलेगा उसी तरह से हम लोग मैनेजर या पार्टनर का कमीशन निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैनेजर कमीशन आए तो इसमें मत लिखना, उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जो मैं आपको कल आने वाली क्लास में समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी